नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर शुक्रवार का जो फ्लेवर होता है और एक्सपायरी से ठीक पहले का फ्लेवर है पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। आज तेज उतार चढ़ाव था, सुबह HDFC ने ही बाजार को एक बड़े लेवल के साथ खोला और वही HDFC जब सीमा वापस लग गई तो बाजार को कमजोर भी करता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर आप मार्केट में भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुल मिला के आज बाजार के अंदर एक रेंज ही समझ में आई है। सुबह का एक बार एबनॉर्मल हिस्सा छोड़ दिया जाए HDFC का तो उसके बाद से मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में फंस गया है। ये डेरिवेटिव एक्सपायरी से पहले स्विंग ट्रेड आपको मिलेंगे, इसके लिए आपको आगे भी तैयार रहना होगा। HDFC बैंक आज का सोल कंटेंडर था इस मेगा स्विंग के लिए, इसलिए हालांकि FIs की सीमा वापस पूरी होने से इन पे कैप लग गया, लेकिन इंडिया विक्स अभी भी 2.5% नीचे है, इसलिए ज़्यादातर एनालिस्ट आपको टीवी स्क्रीन पर यही बोलते हुए देखेंगे कि 8700 एक अहम पड़ाव है क्योंकि विक्स ही इंडिकेट कर रहा है। सेक्टोरियल मूव देखिए, IT, फार्मा और FMCG इन सभी के अंदर आज हमने थोड़ा सा दबाव आते हुए देखा है, लेकिन जहाँ पर बढ़त है उसमें हमने देखा है कि मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है कुछ हद तक निजी बैंकों में, और एक अच्छी बढ़त हमने आते हुए देखी है फाइनेंशियल शेयर्स के अंदर, उसमें भारत फाइनेंशियल आज फिर से लीड कर रहा है। 23 फरवरी को वायदा एक्सपायरी है, डेरिवेटिव एक्सपायरी है सीरीज की, तो मोमेंटम मार्केट के अंदर रहेगा। एक्सपोर्ट्स का व्यू अभी तक 8700 है एक बेस की तरह, और ऊपर जाते समय 8900 200 पॉइंट के स्विंग के लिए तैयार रहे अगले हफ्ते के। बिल्कुल, तो इंटरडे हाई से भले ही मार्केट्स नीचे आए हों लेकिन अच्छी बात यह है कि 8834 यानी 8825 के ऊपर अभी भी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। HDFC बैंक भले अपने हायर लेवल से नीचे आया हो लेकिन अभी भी 4% की बढ़त दिखा रहा है। फार्मा स्टॉक्स ने कल सपोर्ट लैंड किया था, वो सपोर्ट आज भी बना हुआ है। सन फार्मा जैसे शेयर्स आज भी अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं, करीब 3.25% ऊपर। दो दिन में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है सन फार्मा और करीब 7% चल चुका है। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, नताशा शंकर है और अनुज दीक्षित है, दोनों मेहमानों का स्वागत है। अनुज, पहले आपके कमेंट्स इंडेक्स पर क्या रहेंगे, पोजीशंस नेक्स्ट वीक के लिए कैरी करें तो क्या स्ट्रेटेजी रखें ट्रेडर्स? देखिए, आज जिस तरीके से बाजार ने 8820 के ऊपर किसी भी सेल ऑफ में जो आज इंटरडे हायर लेवल से आई है उसमें मेंटेन किया है, तो ज़रूर से एक अच्छा सपोर्ट उभर के आता है शॉर्ट टर्म के लिए 8800 8820। जब तक उसके ऊपर बाजार रहता है तब तक कयास ये रहेगी कि एक्सपायरी के पहले एक बार बाजार 8920 8950 तक के लेवल को टेस्ट करे, तो मैं तो अभी लॉन्ग रहने की सलाह दूंगा। हालांकि 8780 के जो सपोर्ट हैं वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन बाजार का जैसा पूरा मूड है मेरे ख्याल से आने वाले समय में एक बार जरूर से बाजार अटेम्प्ट करेगा इस एक्सपायरी में ही इनफैक्ट 8900 8950 के लेवल को टेस्ट करने के लिए। इस बीच नताशा से सवाल पूछा, आप दो तीन शेयर्स देखिए, एक तो जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उसी में आपको देखिएगा JP एसोसिएट्स, ये कल भी हमने आपको एक बार राय दिलवाई थी कि आगे इसमें बने रहना है या फिर नहीं रहना है। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि बने रहना चाहिए, कल ये 13 रुपये की कैटेगरी का शेयर था, आज करीब 14.30 रुपये आ गया। सुबह हमने आपको फास्ट 50 शेयर्स के अंदर दिया था, टारगेट हिट हुआ इसका आज फिर से। ये शेयर दीवान हाउसिंग, थोड़ी देर पहले ये हमको हेमंत ठुकराल ने दिया था कि इस पर आप बाय कर सकते हैं, ये दिन के उच्चतम स्तरों पर है। एक और शेयर देखिए BHEL, सुबह हमने आपको रिसर्च के जरिए बताया था कि भले ही ये शेयर बाहर निकल रहा हो लेकिन एक खरीदारी का मौका हो सकता है, और पूरे एनालिसिस के साथ बताया था कि जो जो निफ्टी से बाहर हुआ उसके दिन फिर गए और उसके बाद से वो चला है। आज ये शेयर बाजार के बिल्कुल उलट रहा, बाजार जब ऊपर था ये नीचे, और जब बाजार नीचे आया तो ये शेयर दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुका है। इसके अलावा ल्यूपिन में एक खबर आई दवा की मंजूरी की, वो शेयर ऊपर आ गया। जस्ट डायल भारत फाइनेंशियल, दो दिन से लगातार इस शेयर पे हम आपको फोकस दिलवाई रहे थे कि इनमें मूवमेंट आएगा और आ भी रहा है। कल भारत फाइनेंशियल हमने आपको बताया था कि ये शेयर भी चल सकता है, इसके अंदर भी आज स्ट्रांग मूव वापस बनता हुआ दिखा है। नताशा शंकर इस बीच मेरे साथ बनी है। नताशा, फार्मा स्टॉक्स को लेकर पिछले दो दिन में जो भी गतिविधियाँ हुई उससे ऐसा लग रहा है कि ये वैल्यूएशन तो अच्छी रखते हैं लेकिन जो कंसर्न USFDA का वो अभी भी है। लेकिन मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं आप ट्रेडर की बात ही नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें ट्रेडिंग करना तो नेक्स्ट टू भी इम्पॉसिबल हो गया है। आप शेयर रख लेते हैं ना तो उसके बाद सिर्फ यही चिंता रहती है कि 483 ना आ जाए। मैं अगर एक इन्वेस्टर हूं तो मेरी सोच क्या, मेरे कौन से मैं शेयर को चुनूं जिसका ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जिसका कि डोमेस्टिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, मैं ग्लोबली ज़्यादा मार्जिन वाले कंपनी को चुन लूँ या जिसका डोमेस्टिक अच्छा बेस है उसको चुन लूँ क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं हैं। ये फार्मा अगर आप पूरे ही सेक्टर को देखें तो उसमें दो इश्यूज हैं जिसकी वजह से स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। एक USFDA के जो रेगुलेशंस हैं, अगर किसी भी तरह का चेंज आता है या किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन चलता है तो दैट पर्टिकुलर स्टॉक कम्स अंडर प्रेशर।
दूसरी चीज़ जो कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म है और ज़्यादा पर्टिनेंट है वो है प्राइसिंग कंट्रोल। अगर आप पूरे ही डेवलप मार्केट्स में देखिए तो जेनेरिक्स भी जो है उन पे भी काफ़ी प्राइसिंग कंट्रोल एक्सर्ट किया जा रहा है, जो कि इस बार हम लोगों ने इस क्वार्टर में सन फार्मा के रिजल्ट्स में भी देखा था कि उनकी जो सब्सिडरी है उसके ड्रग पे बिकॉज ऑफ प्राइसिंग कंट्रोल देयर वॉज एन इम्पैक्ट एज फार द अर्निंग्स वॉज कंसर्न। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके चलिए, उन कंपनीज को चुनिए जिनको कि या तो यूएस एफडीए अप्रूवल्स अभी हाल ही में मिले क्योंकि उनको उसकी वजह से इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखने को मिलेगा, या जिनके पास में बहुत अच्छा पाइपलाइन है जिनको कि अप्रूवल्स मिल सकते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उनकी एग्जीक्यूशन हिस्ट्री कैसे रही है, अगर उनको किसी भी तरह का रेगुलेटरी झटका आता है तो वो उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, हाउ क्विकली आर दे एबल टू कम आउट ऑफ इट, दिस इज वॉट वुड डिसाइड द प्राइसेज एज फार एज द फार्मा सेक्टर इज कंसर्न। यू हैव टू टेक अ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच देयर। जी शायना मुकदम भी हमारे साथ मौजूद हैं। शायना गुड आफ्टरनून। फार्मा की बात हो रही तो मैं सनफार्मा पर एक कमेंट आपका लेना चाहूंगी, स्पेशली आज का और कल का जो मूव आया कल भी ये स्टॉक 3.5-4% की बढ़त के साथ बंद हुआ और आज भी 3% ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशंस डेफिनेटली अट्रैक्टिव हैं, लेकिन ये जो बढ़त दिखी है ये सिर्फ टाइम बीइंग के लिए या फिर सस्टेन होती हुई भी लग रही है आपको? मेरे हिसाब से सनफार्मा यहाँ से इम्प्रूव हो सकता है, मतलब ये यहाँ पर अच्छा बेस हमको मिल रहा है, 630-640 के लगभग काफ़ी बाइंग आ रही है, एंड उनके जो प्रॉब्लम्स हैं मेरे हिसाब से अभी ऑनगोइंग है, बट जैसे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हैं तो आई थिंक ओवर द नेक्स्ट अगले साल में उनके काफ़ी अच्छे लॉन्चेस हैं यूएस मार्केट में, वहाँ से उनको मेरे हिसाब से अच्छा रेवेन्यू हो सकता है, और जैसे जैसे उनके यूएस एफडीए इश्यूज भी सॉर्ट आउट होते हैं मेरे हिसाब से अनदर 6 months एंड सो, तो वहाँ से आई थिंक अप्रूवल्स नेक्स्ट ईयर में आएंगे। थोड़ा बहुत डिले हो गया है जो हमारी एक्सपेक्टेशन था, बट आई थिंक वैल्यूएशंस जो है वो ये सब फैक्टर करते हैं, ये सब प्राइस में है, तो मेरे हिसाब से हर डिप पे ये स्टॉक विद अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू के साथ ले सकते हैं क्योंकि वैल्यूएशंस अभी पहले से बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, इस बीच आप खबर एक सुंदरम फाइनेंस को देख पा रहे हैं, हालांकि अभी स्टॉक में ज़्यादा मोमेंटम तो है नहीं लेकिन खबरों का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ी देर पहले ही खबर आई थी कि एनसीडीज के जरिए कुछ रकम भी जुटाना चाहते हैं, अब कुछ मर्जर डीमर्जर को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि अपने बीपीओ कारोबार को ये शायद कुछ मर्ज कर नॉन फाइनेंशियल कारोबार को डीमर्ज करेंगे, यानी कि जो नॉन फाइनेंशियल बिजनेस है उसको बिल्कुल अलग कर देंगे लेकिन जो फाइनेंशियल बिजनेस है उसको एक सेपरेट एंटिटी बनाना चाहेंगे, कारोबार को डीमर्ज करके उसको लिस्ट भी होगा। ये एक सेकंड इन्फॉर्मेशन आई, पहली इन्फॉर्मेशन कि नॉन फाइनेंशियल बिजनेस को अलग करेंगे, उसको कंसोलिडेट करके लिस्ट कराने के लिए लेके जाएंगे, तो ये मार्केट के लिए अच्छा साइन है कि अपने बिजनेस को सेग्रीगेट कर रहे हैं ताकि क्लियर पिक्चर सामने निकल के आएगी फाइनेंस और नॉन फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस कैसे ट्रेड करती है, और दोनों की अब लिस्टिंग हो जाएगी तो ये भी एक अच्छा साइन है कि आपको फाइनेंस वाला सेगमेंट सुंदरम का और नॉन फाइनेंस वाला सेगमेंट आपको अलग से फ्लोट होता है दिखेगा, जो कि अभी कंबाइन होकर आता है 7.5% की बढ़त और एक करीब 0.5% की मजबूती के साथ ऊपर आ चुका है शेयर। सुंदरम फाइनेंस पे एक तो रकम जुटाने की बात, दूसरा अभी मर्जर डी मर्जर को लेकर जो खबर आई, एक बार देखेंगे आप अनुज आपको कितना ठीक लग रहा है सुंदरम फाइनेंस, शेयर चलेगा क्या अभी? और देखिए सुंदरम फाइनेंस में अभी भी देखेंगे तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिली है, हालांकि लोअर लेवल से पिछले 2-3 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला था, तकरीबन 1150 के लोज से हमने 1420 तक के हाई देखे हैं, उसके बाद एक साइडवेज मूव चल रहा है जो 1420 से लेकर 1340 तक की रेंज में है, तो अभी भी इसी साइडवेज मूव में है। मेरे ख्याल से ऊपर में अगर एक बार ब्रेकआउट मिलते हैं इस न्यूज़ की वजह से या आने वाले दिनों में किसी और फंडामेंटल रीज़न की वजह से तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आ सकता है जो ऊपर में तकरीबन 1540-1580 तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है, तो ज़रूर से एक बेस बन रहा है मेरे ख्याल से इस वक्त 1345-1340 से लेकर और 1420 की रेंज में, एक ब्रेकआउट आने के बाद तकरीबन 1580 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो किसी भी मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा निवेश रहेगा लेकिन एक ब्रेकआउट का ज़रूर से वेट करना पड़ेगा क्योंकि जब तक वो ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक साइडवेज मूवमेंट काफ़ी लंबी अवधि के लिए देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस बीच सुबह भी हम आपके सामने एक बात रख रहे थे कि सेंचुरी टेक्सटाइल और सेंचुरी इनका पे ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि कभी भी हो सकता है खबर आ जाए, हालांकि अभी कंफर्म सोर्सेज से तो नहीं है, सेंचुरी इनका के अंदर करीब 2.5% का मूव है, ये मर्ज हो सकती हैं दोनों कंपनीज आपस में क्योंकि मर्जर एंड एक्विजिशंस एकदम से काफ़ी तेज़ हुआ है,
मार्केट में खबर है कि दोनों मर्ज हो सकते हैं, उसका बेनिफिट सेंचुरी इनका को ज़्यादा मिलेगा। शायना, आप इन दोनों ही शेयर्स को ट्रैक करती हैं, क्योंकि सेंचुरी टेक्सटाइल प्योर एक रियल एस्टेट कंपनी जैसा हो गया है। इसकी जब बैलेंस शीट्स भी देखते हैं तो इसमें जो इसका नॉन टेक्सटाइल वाला बिजनेस है या इनकम वहाँ से आ रही है वो ज़्यादा है, और सेंचुरी का कोर है जो कपड़ा बना रही है अभी, तो मर्ज हो जाएगा तो अच्छा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी ठीक हो जाएगी। अभी तो वैसे भी वैल्यूएशन अलग अलग देनी पड़ती है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली मर्जर ऑन द कार्ड्स है, और मैं स्टिल सेंचुरी टेक्सटाइल्स को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड अगर आप लो तो ठीक है सेंचुरी इनका, लेकिन सेंचुरी टेक्सटाइल्स में कोर मेरे हिसाब से काफ़ी तीन डिवीजन है, सीमेंट का डिवीजन भी जो है उसका काफ़ी वैल्यूबल है, और उसकी भी बात हो रही है अगर डीमर्ज होता है सो वहाँ पर भी वैल्यू अनलॉक होगा, तो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट इट्स अ सेफर बेट सेंचुरी टेक्सटाइल्स। जी, अभी सुंदरम फाइनेंस की बात की थी डिम्पी ने, लेकिन आप NBFC स्पेस के तीन चार शेयर्स देखिए। एक तो दीवान हाउसिंग, अच्छा मूव है इसमें आज, और डेरिवेटिव्स में भी एक्टिव है ये स्टॉक, 4-5% के गेंस के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, 16 रुपए ऊपर। एक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहां भी बढ़त बनी हुई है। बजाज फाइनेंस, कल का ये फाइनल बेट स्टॉक भी था और आज भी एक अच्छी बढ़त स्टॉक ने दिखाई है, 1100 के लेवल को भी पार किया है। भारत फाइनेंशियल एक और शेयर जहां पर मजबूती है, लेकिन नताशा ये NBFC शेयर्स में भी आप क्या कर रही हैं, स्पेशली भारत फाइनेंशियल और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स जो कि ऑलरेडी अब बहुत अच्छा सा स्ट्रांग मूव दिखा चुके हैं, वैल्यूएशन फिर से थोड़ी एक्सपेंसिव हुई हैं, लेकिन क्या एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के बावजूद भी इंटरेस्ट बना रहेगा यहाँ पर ट्रेडर्स का, बायर्स का? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखिए तो पूरा ही NBFC स्पेस जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगा है। जो जिस तरह का वैल्यूएशन में करेक्शन आया था, खैर अब वो करेक्शन तो नहीं रहा है जो कि डीमोनेटाइजेशन के बाद देखने को मिला था, लेकिन फंडामेंटली सारे ड्राइवर्स जो हैं इन कंपनीज के लिए दे आर ऑलरेडी इन प्लेस, पर्टिकुलरली ड्रिवन बाय कंजम्पशन, फोकस ऑन हाउसिंग, फोकस ऑन पर्सनल फाइनेंस, ये सारे ही फोकस को देखते हुए ये सेक्टर जो है, ये पूरा ही सेक्टर अट्रैक्टिव लग रहा है। और जो स्टॉक्स आपने मेंशन किए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, DHFL, भारत फाइनेंशियल, हमारे हिसाब से ये अभी भी एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए देखे जा सकते हैं। अनुज, दो शेयर देखिए, एक तो श्री इंफ्रा, हालांकि सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि कुछ एक ऑर्डर्स इनके हाथ लग सकते हैं, आज अच्छा चला है, करीब 2.5 से 2.75% वॉल्यूम भी है। अब इसका आवरली चार्ट देखिए, आपको तब ज़्यादा इंटरेस्टिंग समझ में आएगा ये क्यों इस शेयर के बारे में या फिर इसके बारे में न्यूज़ फ्लो सिस्टम में आ रहा है, क्योंकि अगर एक बार इसने 100 का लेवल, क्योंकि अभी भी वैसे हाई पे ही चल रहा है, 100 का लेवल एक बार पार कर तो एक बड़ा मूव आ सकता है। एक बार इस पर आपकी रिकमेंडेशन चाहिए श्री इंफ्रा पे। जी डिम्पी, ज़रूर से, लगभग 9800 की जो रेंज है वही एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है, हालांकि लोअर लेवल में हम पिछले अगर 6 महीने 8 महीने की बात करें तो काफ़ी एक अच्छा मूव देखने को मिला है, 67-68 के लो से शेयर चलना चालू हुआ है, लेकिन मंथली चार्ट पर उस पर 93 के ऊपर के ही ब्रेकआउट आ चुके हैं, और अगर इस मंथ में 93-94 के ऊपर की मंथली क्लोजिंग मिलती है तो एक मेरे ख्याल से बुल्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और ऐसे ऐसे हालत में मेरे ख्याल से 115-117 तक के मिनिमम अपसाइड के टारगेट देख को मिलते हैं। और अगर आज के वॉल्यूम्स के साथ देखें तो मुझे अभी वॉल्यूम का थोड़ा सा सहयोग चाहिए होगा, अगर 100 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग पर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलते हैं तो मेरे ख्याल से जरूर से शॉर्ट टर्म में ही शेयर एक बार 117-120 के लिए अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में जाने की कोशिश करेगा। जी शाना, ये प्राइवेट बैंक्स में आज काफी न्यूज फ्लो और एक्शन रहा है, एक तो HDFC बैंक रहा डेफिनेटली, दूसरा रहा कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, सुबह हम बातचीत कर भी रहे थे कि CLSA ने एक पॉसिबल मर्जर को लेकर एनालिसिस पेश किया है, और एक इंडसइंड बैंक, इस पर इनफैक्ट मैं स्पेसिफिकली आप कमेंट्स देना चाहती हूँ, क्योंकि आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनले की, जिसमें उन्होंने कहा है इमीडिएट टारगेट 1600 के रहेंगे और अगले 2 से 3 सालों में ये स्टॉक डबल हो जाएगा, ये उनका मानना है। आपकी राय क्या है अभी प्राइवेट बैंक्स पर, वैल्यू आपको कहाँ नजर आ रही है? देखिए, जैसे आपने इंडसइंड बैंक की बात की, वहाँ पर ज़रूर ग्रोथ नंबर्स भी बहुत अच्छे थे, उनका ग्रोथ बहुत अच्छा है और प्राइवेट सेक्टर में एक के सबसे बेहतरीन नंबर्स थे जो थर्ड क्वार्टर के हैं, और सस्टेन करेंगे क्योंकि आई थिंक उनका ओवरऑल जो मॉडल है इट इज़ मोर टुवर्ड्स दी लेंडिंग फॉर OEMs और वो वहाँ पर अच्छा होएगा, बट टू दैट एक्सटेंट आई थिंक वैल्यूएशन वाइज वो मेरे हिसाब से काफ़ी महंगा है, एंड ज़रूर हो सकता है कि अपसाइड है यहाँ से
से, बट अगर आप वैल्यूएशन पैरामीटर्स को लें तो यहाँ पर मैं एक्सिस बैंक को प्रेफर करूँगी। यहाँ पर अगर उनका मर्जर होता है विथ एनी अदर लार्ज बैंक, जैसे कोटक की बात हो रही है अभी, आई थिंक इट विल बी वेरी गुड एंड वैल्यू एक्रीटिव वैल्यूएशन वाइज। वो प्राइस टू बुक के बेसिस पे बहुत अट्रैक्टिव है। एंड HDFC बैंक, जो मेरा HDFC बैंक, ICICI बैंक, आई थिंक दीज आर द बैंक्स आई वुड प्रेफर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन हो सकता है HDFC बैंक में थोड़ा महंगा हो, बट मेरे हिसाब से बहुत ही स्टेबल ग्रोथ है एंड इट इज़ अ गुड इन टर्म, इट्स अ गुड बैंक इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। तो आई थिंक उस हिसाब से आई वुड, दीज वुड बी माई टॉप बेट्स, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक इन दैट ऑर्डर। इस बीच आज HDFC बैंक को लेकर जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि आज इसने बाजार की बहुत हेल्प की, उन लोगों की भी हेल्प की जो ऊपर आज 8880 के आसपास सौदा काटना चाहते थे, या ये भी कह सकते हैं कि उन लोगों की भी हेल्प की जिनको एक एबनॉर्मल निफ्टी दिख गया और उनको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखी, तो आज दोनों ने ही पैसा बनाया होगा। लेकिन HDFC की जो लिमिट की FIs की लिमिट हटाई गई थी वो वापस फिर से कैप्ड हो गई है, क्योंकि आज जमकर खरीदारी HDFC के शेयर में आती हुई दिखी है। असल में ये शुरू हुआ था ADR से, इसका ये भी कह सकते हैं कि इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था हेजिंग का, जो कि ADR के पॉइंट ऑफ व्यू से था। एक बार पहले अजय बग्गा को सुनते हैं जिन्होंने एक कैलकुलेशन हमको बताई, और उसके बाद आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताएंगे और फिर से राय दिलवाएंगे कि अब HDFC को BTST करना है या फिर नहीं। पहले एक बार अजय बग्गा का सुनते हैं। HDFC बैंक का जो कैटलिस्ट रहा कि RBI ने FIIs के लिए खोला, वो 74% का लिमिट रहता है बैंक्स का, और 72% तक RBI रोक लगा देती है कि हमारे से प्री क्लियरेंस लेके करिए। तो ये जो आज खोला है, और इसमें जो बात रहती है दीपाली, जो ADR रहता है वो लगभग 1600 रुपए का चल रहा था कल रात को। कल ADR 1% नीचे गिरा, तो ADR बेचा लोगों ने और आज खरीदारी हो रही है यहाँ मार्केट में, क्योंकि बहुत बड़ा एक आर्बिट्राज था। यहाँ 1350 था, ADR 1600 रुपए का चल रहा था अगर डॉलर को कन्वर्ट करें तो। वो आज प्ले आउट हो रहा है, मेरे को लगता है आज शाम तक FIA का फिर से लिमिट क्रॉस हो सकता है। ये लगता है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो इशू हुए वो वेस्ट हुए हैं, तो थोड़ा कैपिटल एक्सपैंड हुआ, उसके चलते RBI ने ये विंडो खोली है।